नमस्कार, आप देख रहे जन टीवी और मैं आपके साथ गौरवी। चले बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। उत्तराखंड सीएम धामी ने टॉपर छात्र छात्राओं का किया सम्मान, सभी को शुभकामनाएं देकर की उज्जवल भविष्य की कामना। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। सपा नेता मौर्य का बद्रीनाथ धाम को लेकर विवादित बयान, उसके बाद शुरू हुई सियासत। सीएम धामी, मंत्री सतपाल महाराज और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष महारा ने कसा तंज। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अस्वस्थ, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंदिर में की पूजा पाठ, स्वास्थ्य लाभ के लिए की प्रार्थना, किया जलाभिषेक। लक्सर पुलिस की कच्ची शराब पर कार्रवाई, शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, एक आरोपी भागने में हुआ सफल, भट्टी समेत लहन को किया नष्ट। उत्तराखंड में आपदा को लेकर मंत्रियों का दौरा, मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विभिन्न बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण, सेठपुर, हुसैनपुर और मोहम्मदपुर बुजुर्ग गांवों के जाने हालचाल। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज प्रदेश भर के 10वीं और 12वीं के 100 टॉपर छात्र छात्राओं को लैपटॉप, मेडल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और शिक्षा निदेशक बंशीधर तिवारी भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार ने उत्तराखंड के 100 टॉपर्स को सम्मानित किया और बीती रात सभी के साथ डिनर भी किया। सल्ट अल्मोड़ा के विकास खंड सल्ट के राजकीय इंटर कॉलेज मछोड़ में न्याय पंचायत स्तरीय 2 दिवसीय मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना का शुभारंभ प्रभारी प्रधानाचार्य जीडी बोगोडी ने किया। मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना में इंटर कॉलेज भंडार खोला, पनुवादी खून, डबरा सौराल सहित अन्य विद्यालयों के छात्र छात्राओं खेल प्रतियोगिता में 4 टीमों में प्रतिभाग किया। खेल प्रतियोगिता में दौड़, शटल रन, बैट रिच, मेडिसिन बॉल, लंबी कूद आदि कई प्रतियोगिताओं में छात्र छात्राओं ने दमखम दिखाया। प्रतियोगिता थी जिसमें पूरे तल्ला सल्ट के खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिया और उसमें राजकीय इंटर कॉलेज मचोड़ और राजकीय इंटर कॉलेज तया भंडारकोला, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पनवाजकोन और उच्च प्राथमिक विद्यालय डबरा सोलाल ने भाग लिया और वहाँ के सभी व्यायाम शिक्षक और खेल प्रभारी ने वहाँ पर अपने छात्र छात्राओं को ला करके और खेल प्रतियोगिता में विशेष रूप से भागीदारी करी। जबकि मौसम भी खराब था, मौसम खराब होने के बावजूद भी वहाँ पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और उसके बाद ब्लॉक स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का समापन होना है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पिछले कई दिनों से अस्वस्थ चल रहे हैं, जिससे बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने मंदिर में पूजा पाठ और भजन कीर्तन कर भगवान से पूर्व मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य लाभ की कामना के लिए प्रार्थना की। वहीं डोईवाला के अग्रवाल धर्मशाला के शिव मंदिर में जहाँ कार्यकर्ताओं ने पूजा अर्चना के साथ जलाभिषेक प्रार्थना की और मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य लाभ की कामना की। वहीं महिला कार्यकर्ताओं ने भजन कीर्तन कर अपने नेता के स्वास्थ्य लाभ की कामना की। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का स्वास्थ्य थोड़ा अस्वस्थ होने के कारण हमारे डोगा नगर मंडल कार्यकर्ताओं ने मुझसे कहा कि क्यों ना हम एक हवन करें और सावन का महीना भी चला है तो शिव जी भगवान की पूजा करें। तो हमने सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा को रखते हुए आज मंदिर में एक छोटा सा स्वतः पंडित जी बात करी तो स्वतः स्फूर्त कुछ कार्यकर्ता आए और आज उनके लिए थोड़ा हवन किया, पूजा करी और कीर्तन कर रहे हैं। हम पंडित जी स्वास्थ्य भ्रमण स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं अपने गृह जनपद में। ये पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की स्वास्थ्य कामना के लिए हमने यहाँ पर भजन कीर्तन करवाया था और पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे काफ़ी
कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित रहे। जिस प्रकार से काफ़ी दिनों से माननीय रावत जी अस्वस्थ चल रहे हैं, तो हम सभी की इच्छा है कि वो जल्दी से स्वस्थ होकर हमारे बीच में लौटे। सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बद्रीनाथ धाम को लेकर एक विवादित बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ धाम की अगर जांच कराई जाए तो वो एक बौद्ध मठ निकलेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान ज्ञानवापी में हो रही जांच को लेकर दिया था। ज्ञानवापी में सर्वे को लेकर उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने भी इजाजत दे दी है। वहीं स्वामी राम प्रसाद मौर्य ने अब बद्रीनाथ धाम को लेकर कहा कि हिंदुओं ने भी बौद्ध मठों के ऊपर मंदिर बना रखे हैं और बद्रीनाथ भी उनमें से एक है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। उन्होंने कहा कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र भू बैकुंठ श्री बद्रीनाथ धाम पर समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा की गई टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। महागठबंधन के एक सदस्य के रूप में समाजवादी पार्टी के एक नेता के द्वारा दिया गया ये बयान कांग्रेस और उसके सहयोगियों की देश और धर्म विरोधी सोच को दर्शाता है। बैकुंठ धाम उत्तराखंड के अंदर स्थापित है और भगवान बद्रीनाथ जी की महिमा के बारे में, उसकी आस्था श्रद्धा के बारे में पूरे विश्व के अंदर लोग यहाँ से आस्था और श्रद्धा रखते हैं, उसके बारे में जिस प्रकार का बयान स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने दिया है, उन्हीं की पार्टी के जो सर्वोच्च नेता हैं श्री अखिलेश यादव जी, उनकी धर्मपत्नी डिंपल यादव जी भी इसी प्रदेश से ताल्लुक़ रखती हैं, वो भली भांति यहाँ की संस्कृति से और बद्रीश धाम के जो महान परंपरा है, आस्था श्रद्धा जिस प्रकार से विश्व के लोगों की वहाँ पर है, उससे वो स्वयं परिचित हैं। मैं समझता हूँ कि डिंपल यादव जी को भी इसका जवाब अवश्य स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बताना चाहिए। सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू मंदिरों को लेकर एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश में कई मंदिर ऐसे हैं जो कि बौद्ध मठों के ऊपर बनाए गए हैं और उनमें से एक मंदिर है बद्रीनाथ धाम। वहीं उनके इस बयान को लेकर प्रदेश में अलग अलग प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है और इसी को लेकर श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजय अजिंद्र ने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान उनकी मानसिकता को दर्शाता है। हर किसी को पता है कि आदिकाल से बद्रीनाथ मौजूद है। देखिए, ये सपा नेता की मानसिक दीवानेपन का द्योतक है। आप जानते हैं कि आदिकाल से बद्रीनाथ जी बद्रिकाश्रम का हमारे शास्त्रों में, पुराणों में उसका उल्लेख मिलता है और उसकी मान्यता रही है। और जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बयान दिया है, वो स्पष्ट रूप से यह भी प्रदर्शित करता है कि इनकी जो नीति है वो हिंदू विरोधी रही है। और आप जानते ही हैं कि इनका जो चरित्र है वो हमेशा से हिंदुओं के जो मान बिंदु है, हिंदुओं की जो परंपराएं हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं, संस्कृति है, उन पर कुठाराघात करने की, उन पर चोट पहुंचाने की और उनको किसी प्रकार से उनको दुष्प्रचार करने की, तो ये इनका जो चरित्र है इससे स्पष्ट परिलक्षित होता है। स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने देहरादून में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य को हिंदू धर्म ग्रंथों के अध्ययन करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि जो बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया है वो किसी तरह से भी स्वीकार्य नहीं है। बयान की मैं निंदा करता हूँ और उनसे उम्मीद करूंगा कि वो ग्रंथों का अध्ययन करें। केदार बाबा की इस भूमि में केदारनाथ बाबा ने दान स्वरूप बद्रीनाथ भगवान को वहां रहने की इजाजत दी अपनी भूमि में। केदार भूमि है, केदार भूमि में बद्रीनाथ जी को बैठाने का काम बाबा केदारनाथ ने किया है और उस पूरी कथा का उनको वर्णन लेना चाहिए, अपने बड़ों से उसकी जानकारी लेनी चाहिए, पंडित पुरोहितों से उनको बात करनी चाहिए, तब कोई बयान देना चाहिए। आधी अधूरी जानकारी में जो बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया है, मैं उसकी निंदा करता हूँ और घोर भर्त्सना। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बद्रीनाथ धाम को लेकर दिए हुए विवादित बयान के बाद प्रदेश से एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, जहां अभी तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को सलाह देते हुए उन्हें बद्रीनाथ धाम के इतिहास के बारे में बताया। वहीं अब कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य को इतिहास याद दिलाया। उन्होंने बताया कि उन्हें पता होना चाहिए कि बद्रीनाथ धाम तब से अस्तित्व में है जब बौद्ध धर्म था भी नहीं, तो ये कभी भी मठ हो ही नहीं सकता। साथ ही उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधते हुए कहा कि वो ये सिर्फ पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं।
ये विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि बद्रीनाथ धाम सनातन बहुत सनातन संस्कृति का बहुत पुरातन मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है और ये उस समय का मंदिर है जब बौद्ध धर्म नहीं था, महात्मा बुद्ध पैदा नहीं हुए थे, तो सत्युगकालीन ये मंदिर माना जाता है। तो ये बौद्ध मठ हो ही नहीं सकता है क्योंकि उससे पहले का ये था। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ पर आक्रमण होते रहे और आक्रमण के कारण कई हमारे उत्तराखंड के मंदिरों में बौद्ध की मूर्ति रखी गई, पर हमारे ये धाम जो है सनातन धाम है, उस समय बौद्ध धर्म नहीं था, तब से ये धाम हमारे अवस्थित है और लोगों के प्रति इनकी श्रद्धा और अर्चना हो रही है, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। अब ये बैड पब्लिसिटी के लिए है, आप पब्लिसिटी करवाते हो, उसका प्रचार करते हो, तो वो उसके लिए वो बोलते हैं। मामला टिहरी गढ़वाल के विकासखंड प्रताप नगर के उपली रमोली के सरवानी का है, जहां रात को युवक की बिजली की पोल में चपेट में आने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने आनन फानन में युवक को सीएससी चौन लमगांव लाए गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें कि युवक अपनी दुकान से रात को करीब 8 बजे घर जा रहा था कि अचानक सड़क के बाहर लगे बिजली के पोल की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई, जिसका पोस्टमार्टम किया गया। वही मौके पर पहुंचे विद्युत विभाग के एसडीओ और जेई थाना अध्यक्ष लमगांव एसओ महिपाल सिंह रावत ने बताया कि जांच का विषय है और जांच उपरांत ही किसी के निर्णय पर पहुंचा जा सकेगा। ग्राम पंचायत सिरवाणी के मृतक मुकेश निवासी कल शाम दुकान से घर आ रहा था और वहाँ पर सड़क के किनारे बिजली का पोल है और वहाँ पर करंट लगने के कारण वो मृतक हो गए। और मैं यहाँ पर अभी हमारे बीच में एसडीओ साहब भी आए थे, उन्होंने जांच के आदेश कर दिए हैं अधीक्षण अभियंता को। और यहाँ पर जो लमगांव में जो चौन की व्यवस्था है, वो व्यवस्था अभी हमारे माननीय भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश नौटियाल जी का मैं आभारी हूँ और हमारे जिला अधिकारी महोदय दीक्षित जी आए हैं, उनका भी मैं आभारी हूँ। उन्होंने हमारे इसी समय इसी सप्ताह में 2 केस हुए हैं, एक दुर्घटना गाड़ी से हुई है, कार से, और ये हुई है। उन्होंने हमें जो है यहाँ पर पोस्टमार्टम करवाने के लिए सीएमओ को अनुमति दी है। मैं विशेष तौर से क्षेत्र की ओर से और अपनी ओर से उनका। लक्सर में बाढ़ के बाद पैदा हुई आपदा को लेकर मुख्यमंत्री सहित उत्तराखंड सरकार के कई कैबिनेट मंत्री लक्सर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं और वहीं अब गन्ना और पशुपालन मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे सौरभ बहुगुणा भी लक्सर क्षेत्र में विभिन्न बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहले सेठपुर सहित हुसैनपुर और मोहम्मदपुर बुजुर्ग और जैनपुर गांवों का दौरा करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरिद्वार क्षेत्र में इस तरह की आपदा का आना बेहद दुखद है। हमारे गन्ने की सबसे बड़ी बेल्ट हरिद्वार जिले की है और कहीं ना कहीं जो क्षति हुई है हमारे किसानों को, उसके लिए सरकार गंभीर है। हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय पुष्कर सिंह भाभी जी यहाँ का सर्वे कर चुके हैं, खुदा है हमारे प्रभारी मंत्री माननीय सत्यान महाराज जी यहाँ पर आके सर्वे कर चुके हैं, हमारे कृषि मंत्री विनोद जोशी जी यहाँ पर आके सर्वे कर चुके हैं और आज गन्ने किसानों को कितना नुकसान हुआ उसको देखने के लिए मैं खुद यहाँ पर आया हुआ हूँ। ये कोशिश है सरकार की कि जो एक्चुअल नुकसान है उसका जायजा लिया जाए और उसका कितना हमारे किसान भाइयों को रिलीफ कितनी देनी चाहिए, कितना उनका नुकसान हुआ, वो हमारे पास पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। तो जैसे कि अभी माननीय पूर्व विधायक ईश्वरानंद जी ने, माननीय पूर्व विधायक संजय गुप्ता जी ने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री साहब बैठेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि संवेदनशील सरकार है, किसानों के हित में बात करने वाली सरकार है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर सबका स्वागत है, बढ़ेंगे खबर की ओर। गृह मंत्री अमित शाह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे के दौरान यूसीसी के मुद्दे को लेकर बातचीत हुई है। दिल्ली से उत्तराखंड पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि यूसीसी पर कमेटी काम कर रही है और जल्द ही कमेटी का ड्राफ्ट प्राप्त सरकार को हो जाएगा। जैसे ही ड्राफ्ट सरकार को मिलेगा उसे आगे बढ़ाया जाएगा और यूसीसी को लागू किया जाएगा। में इसको लागू करने के लिए कमेटी का गठन करेंगे और उसके पीछे हमने ये बातें कही थी कि उत्तराखंड गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, देवभूमि है, प्रत्येक परिवार से कोई सेना में है, कोई पैरामिलिट्री फोर्सेस में है, देश के अंदर अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं,
उत्तराखंड के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी पंथ का हो, किसी जाति का हो, किसी समुदाय का हो, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। और हम दो दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ भी हमारा प्रदेश है, हम उत्तराखंड में इसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे और भारतवर्ष के अन्य राज्यों से भी हमारी अपेक्षा है कि वह भी अपने यहाँ इसको लागू करें। डोईवाला क्षेत्र में नया शहर बनाने की बात का खंडन करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री के बयान के बाद भाजपा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दरअसल डोईवाला में प्रेस वार्ता कर जिला महामंत्री राजेंद्र तारियाल और मंडल महामंत्री रविंद्र बेलवाल ने कहा कि डोईवाला क्षेत्र वासियों में नए शहर बसाने की खबरों को सिरे से नकारा और कहा कि सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है, अगर इस तरह की कोई बात होती भी है तो सभी को विश्वास में लेकर योजना पर काम किया जाएगा, विकास कार्यों को धरातल पर उतारा जाएगा। राजनीतिक दल जो भोले वाले किसान हैं क्षेत्र के, उनको दिग्भ्रमित करके और इस तरीके से उन्होंने चलाया कि यहाँ पर एरो सिटी और इंटीग्रेट सिटी के नाम पे भूमि का अधिग्रहण होने जा रहा है और लगातार किसानों को दिग्भ्रमित किया गया अलाउंसमेंट के माध्यम से और क्षेत्र में जाकर नुक्कड़ सभाएं करके किसानों को डराया गया कि सरकार आपका मकान तोड़ देगी, सरकार आपकी ज़मीन का अधिग्रहण कर लेगी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी द्वारा इसमें बयान भी आ चुका है कि कोई एरो सिटी, कोई इंटीग्रेट सिटी डोईवाला में या मानजी ग्राउंड में नहीं बन रही है। इसमें राजनीति हो रही थी और जितने कम समय में आंदोलन शुरू और समाप्त भी हो गया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने शहरी विकास मंत्री जी को, धामी जी को और सांसद जी को, क्योंकि ये भ्रम की स्थिति कार्यकर्ताओं में भी थी और सभी में इन्होंने आक्रोश फैलाया, भ्रामक प्रचार करके, क्योंकि इसकी कोई अधिसूचना नहीं थी, कोई प्रमाणिक अभिलेख भी नहीं था और आम जनमानस की भावनाओं से खेलकर उनको एकत्रित किया गया। लेकिन हम जनमत का सम्मान करते हैं, जो किसान भाइयों के बीच में भ्रम की स्थिति हुई थी और धामी जी और हमारी सरकार और हमारे सारे पदाधिकारी आपस में सरकार के संपर्क में थे और आज वो भ्रम की स्थिति दूर है। लोगों को कांग्रेस का चेहरा बिल्कुल सामने आ गया है कि निकाय चुनाव आगे हैं, उनके पास कोई मुद्दे तो थे नहीं, उन्होंने इसमें आम जनमानस की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके इस मामले को भड़काया। लक्सर पुलिस की अवैध कच्ची शराब के खिलाफ छापेमारी की गई। बता दें कि कच्ची शराब बनाकर तस्करी करने वाले एक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपी शराब तस्कर घर में ही कच्ची शराब बना रहा था। पुलिस ने मौके से आरोपी शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही मय भट्टी उपकरण सहित कच्ची शराब बनाने वाले 500 लीटर लहन को नष्ट किया। बता दें कि 10 लीटर कच्ची शराब को भी बरामद किया गया है। हरिद्वार SSP अजय सिंह के निर्देश पर मुख्यमंत्री के नशा मुक्त देवभूमि मिशन 2025 के अंतर्गत अभियान चलाकर लक्सर पुलिस के द्वारा कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में नेपाल के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने भेंट की। उन्होंने भारत नेपाल से जुड़े विषय और विभिन्न समसामयिक विषयों पर मुख्यमंत्री से चर्चा की। वहीं नेपाल से प्रतिनिधि मंडल की लीडर पंपा भूसाल से सीएम के कामों की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़ रहा है, प्रदेश को एक युवा और ऊर्जावान नेतृत्व मिला है। उन्होंने कहा कि मानस खंड के तहत जिस योजना से उत्तराखंड सरकार कार्य कर रही है, नेपाल की पर्यटन मंत्री को वे इसकी जानकारी देंगी। मैं प्रभावित हो गए हमने उनके काम से, यहाँ के मुख्यमंत्री के काम से, कि हम इससे बहुत लाभ नेपाल भी ले आएंगे। उन्होंने यहाँ के धार्मिक पर्यटन को के जिस तरह से बढ़ावा दे रहा है, उसके विकास कर रहा है, उसी के वजह से यहाँ के आर्थिक विकास भी में भी योगदान है और यहाँ के पहाड़ी क्षेत्र के जो माइग्रेशन है उसके रोकने के लिए उन्होंने जिस तरीके से योजना बनाकर काम कर रहा है, हम बहुत खुश है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में हेल्पलाइन नंबर 1905 की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन शिकायतों का त्वरित निस्तारण करें। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक शिकायतकर्ता पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो जाता है, उसकी शिकायत कोर्सली क्लोज ना किया जाए,
और यदि कोई अधिकारी ऐसा कर रहे हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कुछ शिकायतकर्ताओं से फोन पर बात की और उनकी समस्याओं की जानकारी ली। कुछ शिकायतों का समाधान किया जा चुका था, जिन समस्याओं का समाधान अभी तक नहीं हुआ था। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को शीघ्र उनका समाधान करने के निर्देश दिए। जिनके पास सबसे पहले शिकायत जाती है, उन्होंने क्या 100% लोगों से बात की है कि नहीं की है? L2 के जो लोग हैं, उसके ऊपर के जो अधिकारीगण हैं, उन्होंने 15% लोगों से बात की है कि नहीं की है? विभागाध्यक्ष और सचिव जो L3 और L4 के स्तर पर आते हैं, उन्होंने जो साप्ताहिक रूप से और पाक्षिक रूप से उसकी समीक्षा करी है कि नहीं करी है, उन सब पर करेंगे। क्योंकि 1905 ये हमारा एक ऐसा माध्यम है, इसके माध्यम से हम चीजों को सरलीकरण और समाधान की ओर ले जाना चाहते हैं, जिससे कि लोगों को सुविधा मिले। और इसी के साथ एक बार फिर से नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। उत्तराखंड सीएम धावी ने टॉपर छात्र छात्राओं को किया सम्मान, सभी को शुभकामनाएं देकर के उज्जवल भविष्य की कामना। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी रहे मौजूद। सपा नेता मौर्य का बद्रीनाथ धाम को लेकर विवादित बयान, उसके बाद से शुरू हुई सियासत। सीएम धामी, मंत्री सतपाल महाराज और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष महारा ने कसा तंज। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अस्वस्थ, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंदिर में की पूजा पाठ, स्वास्थ्य लाभ के लिए की प्रार्थना, किया जलाभिषेक। लक्सर पुलिस की कच्ची शराब पर कार्रवाई, शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, एक आरोपी भागने में हुआ सफल, भट्टी समेत लहन को किया नष्ट। उत्तराखंड में आपदा को लेकर मंत्रियों का दौरा, मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विभिन्न बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण। सेठपुर, हुसैनपुर, मोहम्मदपुर, बुजुर्ग गांवों के जाने हाल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।